अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। अभी मेरे होली में मत जाएं। मैं अभी जो ना बहुत थका हुआ हूँ और सारी रात का जागा हुआ भी हूँ, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ जीटी रोड के ऊपर मेन, और टेक्सला यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर है। और मैं इस टाइम जा रहा हूँ निकल्सन कॉलम, निकल्सन कॉलम कहते हैं और निकल्सन मॉन्यूमेंट भी कह सकते हैं इसको, और एक तारीखी जगह है। आइए आपको तारीख तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं रास्ता ढूंढूं पहले, रास्ता कहाँ से। जगह देखें जी, कुछ इस तरह की जगह है ये, और ये जीटी रोड के ऊपर है, और ये है वो टावर अगर आपको नज़र आ रहा दरख्तों के पीछे। तो हमें जाना किधर है ये पहले तय्यन करना है इस चीज़ का, ये रास्ता कहाँ से। और जीटी रोड से मैं घुस गया था जंगल के अंदर, लेकिन उसके बाहर एक रोड जा रहा सीधा जो है वो निकल्सन कॉलम की तरफ। ये अभी पता चला है मुझे, ये देखें सामने लगा है बोर्ड, और ये रास्ता है, बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है जी। चलें, सुबह सुबह का टाइम है, हमने कहा सुबह सुबह ही चला जाए भाई, यही टाइम है, वरना फिर दिन में तो गर्मी हो जाती है। हालाँकि मौसम चेंज हो गया, यहाँ पर काफ़ी कदर बेहतर है मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। अब देखते हैं जी, वो सामने मैं आपको दिखाऊँ टावर जो है नज़र आ रहा है, एक मिनट, वो रहा टावर, ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको सही सही टावर। और इस तरह का आसपास का सारा मंजर है। और जी ये है वो टावर, निकल्सन टावर, या निकल्सन क्या कहते हैं इसको, निकल्सन कॉलम, हाँ ये। और इस तरह से सीढ़ियाँ जाती हैं, और बड़ी खूबसूरत जगह है। जो लोग तारीख से शगफ़ रखते हैं, लगाव रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। और जो जिनके नाम पे ये बना है टावर, जॉन निकल्सन, जो लोग उनको जानते हैं, जिनको उनके बारे में पता है, वो ज़रूर समझ जाएंगे, और उनको आना भी चाहिए यहाँ पे। भाई ऐसी जगह पे डर लगता है आके, ऐसे जहाँ पे झाड़ियाँ हों, दरख्त हों, जंगल टाइप होना, तो वहाँ थोड़ा सा होता है कि छोटे छोटे हशरात होते हैं ना, जैसे छुपकली बड़ी वाली, सांप, इन चीज़ों से अपने को डर लगता है। तो ये देख रहे हैं, ये पीछे सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है, और इसके सराउंडिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा सराउंडिंग का माहौल है, ये देख सकते हैं, ये है सराउंडिंग। और मज़े की बात बताऊँ, मैं आया था तकरीबन 1.5 महीने पहले आया था इधर टेक्सला, लेकिन मैं टेक्सला आके ना बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सका था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी से बाहर निकले नहीं जा रहा था, तो मैं जो ना वो चीज़ें शूट नहीं कर पाया था। अब मौसम क्योंकि बेहतर हुआ है, सितंबर का महीना है, तो मैंने कहा जो बाकी रह गई थी चीज़ें वो मैं करके आता हूँ। एक आध जगह ही गया था लास्ट टाइम जब मैं आया था, तो लेकिन मैं इधर नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऊँचा आना पड़ता है, तो आज मैं इधर आ गया हूँ। और साथ साथ अभी मैं उतरा हूँ इस्लामाबाद फैज़ाबाद बस अड्डे पे, और वहाँ से जो है मैंने यार कहा कि क्यों ना यार गाड़ी की जाए, तो गाड़ी करके जो है ना सारा अपना ये एनर्जी भी बचती है उससे ना, और ख़र्चे तो होते ही हैं थोड़ा बहुत, गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत ये कि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप बहुत सारी झंझटों से बच जाते हैं। आप लोकली भी आ सकते हैं वहाँ से, कौन सी जगह है, पेशावर मोड़ से भी आ सकते हैं, और एक और जगह है मंडी, पता नहीं ऐसी मंडी स्टाप क्या है, वहाँ से भी आप लोकल गाड़ी आती हैं उसमें भी आ सकते हैं। और तो वहाँ से आके आप बिल्कुल सामने इसके उतर सकते हैं, ये सामने जीटी रोड चल रहा है सारा, ये आप देख रहे हैं सारा जीटी रोड है। तो उसके बाद जो है मैं वहाँ से गाड़ी की, और गाड़ी वाले ने, चले पैसे मैं बाद में बताऊँगा कितने पैसे, मैंने उसे पूरे जहाँ जहाँ मुझे जाना ना मैंने सबकी जगह की बात की। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं, और फिर मैं ऊपर से दिखाता हूँ।
रावलपिंडी से टेक्सला जाते हुए जीटी रोड पर एक बुलंद मीनार नजर आता है। ये निकल्सन मॉन्यूमेंट है जो 1868 में तामीर किया गया था। इसकी तारीखी अहमियत क्या है और ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन कौन थे, ये जानना सिर्फ इसलिए अहम नहीं कि वो रावलपिंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर थे, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि महज 27 साल की उम्र में जब वो इस अहम ओहदे पर मुतय्यन हुए तो उनकी शख्सियत में ऐसा कौन सा करिश्मा था कि उन्हें अवतार करार देते हुए न सिर्फ उनकी पूजा शुरू हुई बल्कि उनके पुजारियों ने बाकायदा एक फरिश्ते की शक्ल इख्तियार कर ली जो तवील अरसे तक इस इलाके में निकल्सन मॉन्यूमेंट के इर्द गिर्द भटकते रहे। शायद ये इसी रिवायत का तसलसल है कि आज भी अगर इस मॉन्यूमेंट को देखने जाएं तो उसके इर्द गिर्द आपको कोई भूला भटका पुजारी मिल ही जाएगा जो गले में मोतियों की माला डाले नंगे पांव अकीदत की मंजिलें तय कर रहा होगा। जहां आज निकल्सन मॉन्यूमेंट है, यहां पहले सिखों की एक फौजी चौकी हुआ करती थी। निकल्सन ने इस चौकी में घुसकर सिखों को मारा था और बाज रिवायतों के मुताबिक वो यहाँ जख्मी भी हुआ था, जिसकी याद में यहाँ कर्नल ए टेलर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे एच लाइंस की सरकर्दगी में 1868 में निकल्सन मॉन्यूमेंट तामीर किया गया। ये मॉन्यूमेंट एक चबूतरे और एक मीनार पर मुश्तमिल है जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। पहाड़ी के दामन से चबूतरे तक पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। चबूतरे से लोहे की सीढ़ियां मीनार के अंदर तक जाती हैं, जहां एक कमरा सा बना हुआ है जिसमें मालूमाती तख्ती लगाई गई है। इस कमरे से लोहे की एक और सीढ़ी ऊपर तक जाती है। किसी बाहर मुल्क में ना इसकी इज्जत हो, इधर ये हाल ये इसकी हिस्ट्री है देखिए। और मैं अभी पहुंच गया हूं ये टावर के पास, बिल्कुल टावर के साथ ही मैं खड़ा हूं अभी, देख सकते हैं। और ये इसका गेट है, ये इसका गेट है। और ये भी एक साहब थे यहाँ पे, वो भी यहीं बैठे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ से भी सीढ़ियाँ जाती ऊपर, लेकिन अंदर इतनी स्मेल है कि मुझसे जाया नहीं जा रहा। ये देखें डार्क है ना, इधर ये सीढ़ियाँ जा रही है। ये दिखाए ना, ये चीज़ देखने की चिमगाड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये चिमगाड़ नहीं है, दरवाज़ा बंद रखते हैं ना। ओह मुझसे नहीं जाया जा रहा भाई अंदर। और ये है अंदर का मंजर था, बहुत स्मेल है अंदर पता नहीं किस चीज़ की। और यहाँ से जो नज़ारा होता है, और ये नज़ारा है जी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। लोकेशन अच्छा है। हाँ ये जीडी रोड है और इसके साथ ही ये पहाड़ है। और ये कोई सीमेंट फैक्ट्री है मेरे ख्याल से, ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉक बन रहे हैं यहाँ पे, ये कोई फैक्ट्री है, ब्लॉक बन रहे हैं। अच्छा 17 सेक्टर है। अच्छा 17 डी, वो ये इस्लामाबाद का। हाँ इस्लामाबाद में। या इसका इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का है। हाँ ये जी पहाड़ काट के रास्ता बनाया है। और ये हैं सीढ़ियाँ जिससे मैं ऊपर आया हूँ। लोहा देखो, ये भी उस दौर, और ये लोहा भी उसी दौर का लोहा है भाई। और बड़ा मुश्किल है इसके पास चलना भाई, अगर हिम्मत है तो आप आइए इधर और देख सकते हैं मैं किस तरह से संभल संभल के जो है उतर रहा हूँ। तो ये है वो टावर जो आपको दिखाया भी मैंने अंदर से। और अंदर 2 सेकंड के लिए भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। कहते हैं जब ये बनाया गया था तो दोनों एतराफ से ये 20 किलोमीटर दूर से नजर आता था, लेकिन आज इसके इर्द गिर्द स्टोन क्रशर्स की वजह से यहाँ गर्द इतनी ज्यादा है कि इसे करीब से ही देखा जा सकता है। मॉन्यूमेंट से नीचे रोड के बिल्कुल साथ एक खूबसूरत बाग भी इसका हिस्सा था, जिसमें पानी का एक तालाब और फुवारा भी हुआ करता था। और जी ये जीडी रोड जैसा कि आपने देखा,
और जी टी रोड के ऊपर ही बिल्कुल वाकई है ये जो मोन्यूमेंट है, जी टी रोड पर ही है और ये बहुत खूबसूरत आपको मैंने तारीख भी बताई इसकी। तो आइए आगे चलते हैं और आगे चल के जो स्टूपास यहाँ पे मौजूद हैं, खानपुर डैम है और टेक्सला शहर है, वो भी आपको दिखाता हूँ।